सातपुते ने शीत सत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि जब से राज्य में ये सरकार आई है तब से बहुत कुछ दिया है, यह सरकार सामान्य जनता की सरकार है। विधायक हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि शीत सत्र 2023 का आज का आखिरी दिन है और दो इस शीत सत्र ने महाराष्ट्र को और खासकर विदर्भ को क्या दिया है। महाराष्ट्र को प्रमुख रूप से देखा जाए तो जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है महाराष्ट्र में, तब से बहुत कुछ महाराष्ट्र को इस सरकार ने दिया है। प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, किसानों के लिए विशेष पैकेज, जो किसानों का नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, उनको भी बहुत ज़्यादा पैकेज देने का काम किया है। तकरीबन यहाँ पर 60,000 करोड़ रुपये की जो सप्लीमेंट्री जो डिमांड रहती है MLA लोगों की, वो पूरा करने का काम यहाँ की इस सरकार ने किया है और निश्चित रूप से विदर्भ के लिए भी बहुत सारा किया है। और पूरे महाराष्ट्र का अच्छा सोचने वाली सरकार अभी अस्तित्व में है। मुझे विश्वास है ये सरकार निश्चित रूप से सामान्य किसान, आदिवासी, दलितों के सवालों का जवाब देने का काम ये सरकार ने इस शीतकालीन सत्र में किया है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ विधायक राम सातपुते और इन्होंने कहा कि इस सरकार ने जो है शीत सत्र के दौरान विदर्भ और महाराष्ट्र को किसान मुआवजा हो, किसान पैकेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसी कई चीज़ें जो है इस शीत सत्र से महाराष्ट्र को मिली है। कैमरा पर्सन अजित कुर के साथ मैं क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।